नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी। डेढ़ सौ गांव डेढ़ सौ खबर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त खबर 12 के अट्रू से परवन वृहद सिंचाई परियोजना का काम यहां जल्द शुरू कराने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए लोग भी लामबंद हो रहे हैं। इसी मांग को लेकर क्षेत्र में जनजागरण पदयात्रा निकाली गई। इसकी अगुवाई पूर्व मंत्री प्रमोद जैन और पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने की। जनजागरण के लिए पदयात्रा एक दर्जन से ज्यादा गांवों में होकर गुजरी। इसमें भारी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। बारा की सारसल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मॉडल स्कूल का काम शुरू हो गया है। इसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 26 बीघा जमीन पर यह मॉडल स्कूल बनेगा। ग्रामीणों ने भूमि पूजन कर काम की शुरुआत की। इस मॉडल स्कूल पर 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। बैना के रानी बडौत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 250 लोगों की स्वास्थ्य जांच हुई और 12 गंभीर रोगी 12 रेफर किए गए। बैना की बड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आरोग्य राजस्थान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 300 से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में गंभीर बीमारी के 10 पीड़ितों को बाना रेफर किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर वजन तोलने के लिए इंतजाम किए गए थे। बाना की शोहती ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 20 टीमें भाग ले रही हैं। बूंदी जिले के बासी गांव में चोरों ने ज्वेलर्स की दो दुकानों को निशाना बनाया। चोर दुकानों के ताले तोड़कर गहने और नकदी चुरा ले गए। ग्रामीणों की सूचना पर नैनवा डिप्टी ने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया। पुलिस ने 5 लोगों की वारदात में शामिल होने की आशंका जताई। बूंदी जिले के अरनेठा ग्राम पंचायत मुख्यालय में परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के आखिरी दिन 4 पंचायतों की समस्याएं सुनी गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए ताकि लोगों को एसडीएम या जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इस दौरान बालदड़ा में मंत्री का नाराज, लोगों ने रास्ता भी रोका। हालांकि समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने पर लोग मान गए। बूंदी जिले के तालेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। नदी से शुरू होकर यह रैली पाटन चौराहे तक निकाली गई। बूंदी जिले में डाबी थाना क्षेत्र में डाबी माल की एक खान में क्रेन पलटने से एक युवती की मौत हो गई। पत्थर उठाते वक्त ही क्रेन पलट गई। इस दौरान पास में खाना खा रही युवती क्रेन की चपेट में आ गई। उसे घायल हालत में कोटा ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खैरवाड़ जिले के मघीसपुर ग्राम पंचायत के कुंडला प्रताप गांव में पुलिया के निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही की गई। ठेकेदार ने पुलिया की चार दीवारी के पास मिट्टी खोदकर छोड़ दिया। अधूरी पड़ी खुदाई से कई बार लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। ठेकेदार की लापरवाही लोगों के लिए अभी भी खतरनाक बनी हुई है। चारबाड़ जिले की भालता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैंक नहीं है। लोग 10 साल से बैंक नहीं होने से परेशानी झेल रहे हैं। यहां पहले सेंट्रल बैंक की शाखा थी, उसे 10 साल पहले घाटोली शिफ्ट कर दिया गया। बैंक नहीं होने से लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। बैंक से जुड़े काम के लिए उन्हें अकलेरा बकानी जाना पड़ता है। झालावाड़ जिले की आंवर ग्राम पंचायत में खुले में शौच मुक्ति अभियान का असर दिखने लगा है। अब यहां 95% घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। यहां की महिला सरपंच ने क्षेत्र में महिलाओं को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया था। अब बचे हुए 5% शौचालयों का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। झालावाड़ जिले में डक के आदर्श विद्या मंदिर में एबीवीपी की बैठक हुई। इसमें स्वामी विवेकानंद जयंती की तैयारियों और संगठन की कार्यकारिणी बनाने पर चर्चा की गई। झालावाड़ जिले के असनावर ग्राम पंचायत में पुलिस ने 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया। राधा देवी मंदिर के पास कार्रवाई में जुआरियों से 1,59,000 रुपए के साथ एक कार, एक क्रूजर और 2 बाइक भी बरामद हुई। धौलपुर के सरमथुरा में सर्दियों में भी पानी का संकट है। यहां क्षेत्र के बरासी गांव में पेयजल योजना पर पैसा खर्च होने के बाद भी लोग प्यासे रहते हैं। पेयजल योजना के तहत हर गांव में बने 1-2 पॉइंट नाकाफी साबित हो रहे हैं।
ग्रामीणों ने कई बार पानी की सप्लाई दुरुस्त करने की गुहार लगाई, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी इसे लेकर गंभीर नहीं है। धौलपुर के सैपुई में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी हालत नाजुक होने पर उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। धौलपुर में सैपुई के गांव सेमला में चोरों ने एक मकान से गहनों समेत नकदी चुरा ली। पीड़ित ने चोरों को पहचान लिया और नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। धौलपुर में बाड़ी ग्राम पंचायत के हरी सिंह का पूरा गांव में 21 अक्टूबर को हुई चोरी का खुलासा हो गया। पुलिस ने चोरी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी में यूपी के भी चोर शामिल हैं, इनसे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। धौलपुर में सरमथुरा के महाकालेश्वर मंदिर में भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इसमें 56 भोग लगाया गया और गिरिराज पर्वत की पूजा अर्चना की गई। डूंगरपुर जिले में पुनाली ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। यहां सभी घरों में शौचालय बनवा लिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य हासिल किया गया। इस मौके पर गांव में गौरव यात्रा निकाली गई। गौरव यात्रा में सरकारी अधिकारियों के साथ ग्रामीण भी शामिल थे। इसके जरिए गांव में स्वच्छता रखने का संदेश दिया गया। डूंगरपुर जिले के चीखली गांव में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में 84 विधायक सुशील कटारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र के 15 वार्ड पंचों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। विधायक ने सभी को माला पहनाकर बीजेपी में स्वागत किया। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में खटीक समाज की खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। फाइनल मैच गलियाकोट से सनुम्बर के बीच हुआ, जिसमें सनुम्बर की टीम विजेता रही। डूंगरपुर में आसपुर के गांव गड़ा एकलिंगजी में गणित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। 10 दिवसीय शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में हुआ। इस शिविर में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का विचार किया गया, साथ ही गणित विषय पर कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। डूंगरपुर जिले के लीलवासा गांव में पाटीदार समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मानित होने वालों में छात्रों के साथ भामाशाह भी शामिल थे। इस दौरान समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने पर जोर दिया गया। झुंझुनू की ग्राम पंचायत देरवाला में विधायक ब्रिजेल ओला ने विकास कार्यों की सौगात दी। विधायक ने पंचायत के 3 गांवों में 5 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अपने क्षेत्र के दौरे में विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा भी ग्रामीणों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। झुंझुनू के शिवला गांव में जीरास्था न्यूज की खबर का असर हुआ। यहां पीएचसी में ठेकेदार द्वारा फैलाए गए रूढ़ी पत्थर को हटवा दिया गया। पीएचसी में पहले बिल्डिंग मटेरियल से प्रसूति केंद्र का रास्ता ही रुक गया था। हमने 150 खबर के साथ इस बुलेटिन में ये समाचार दिखाया था। समाचार देखने के बाद खेतड़ी प्रशासन सक्रिय हुआ और तहसीलदार ने जेसीबी की मदद से रूढ़ी पत्थर हटवाकर रास्ता साफ करवा दिया। झुंझुनू की उड़ुका पंचायत में गुर्जरों की ढाणी स्थित स्कूल में पीने के पानी की समस्या दूर हो गई। यहां पानी की टंकी बनाने का काम शुरू हो गया है। पंचायत की ओर से इस टंकी के साथ ही स्कूल में रंग रोगन भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही गांव में नई पाइपलाइन डालने का काम भी शुरू किया गया। सरपंच ने विकास कार्यों के लिए सांसद कोटे से 5 लाख रुपए की मांग की। झुंझुनू के तिग्यास गांव में हाल ही में क्रमोन्नत किए गए उच्च माध्यमिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। सांसद संतोष अहलावत ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद का ग्रामीणों ने चुनरी उठाकर सम्मान किया। ग्रामीणों ने मंडरेला की समस्याओं को लेकर सांसद को ज्ञापन भी दिया। झुंझुनू में लांबी अहे ग्राम पंचायत में सावन की ढाणी में रहने वाली विधवा की मदद के लिए हाथ आगे आए हैं। महिला के पति की कैंसर से मौत के बाद रोजी रोटी का संकट हो गया था। इस महिला को एक एनजीओ ने नकद मदद का चेक और 2 कंबल दिए।
जबलपुर में बस्ती के मानगढ़ खोखावाला में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन हुआ। जयपुर में विराटनगर पंचायत समिति की ढाणी गैस कांड में अवैध कब्जों का विरोध किया जा रहा है। आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ यहां ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत के गेट पर पत्थर डालकर अपना रोष और विरोध जताया। पंचायत की तरफ से अतिक्रमण कर कार्रवाई नहीं होने से लोग रोष में हैं। लोगों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जयपुर के चाकसू में जिला प्रमुख मूलचंद मीणा ने अस्पताल, स्कूल और सरकारी दफ्तरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अंबेडकर छात्रावास में निरीक्षण के लिए पहुंचे जिला प्रमुख को वहां ताले लगे मिले, इस पर उन्होंने फोन पर अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में छात्राओं से भी बात की। जयपुर में कोटपूतली के नरसिंहपुर में शहीद श्रवण सिंह राजकीय स्कूल के हाल बेहाल, बच्चे असुविधा खतरे के बीच पढ़ाई करने को मजबूर। स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से खतरनाक हो गया है। स्कूल में बिजली और पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आसपास 3 किलोमीटर दूर तक कोई दूसरा स्कूल भी नहीं, सरपंच की ओर से शिक्षा विभाग को बताने का भी फायदा नहीं हुआ। पत्रकारिता और लॉ यूनिवर्सिटी बंद किए जाने का विरोध हो रहा है। जयपुर के चौमू में भी छात्रों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश के सीएम का पुतला फूंका गया, साथ ही छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा भी हुई। जयपुर के रामनिवासपुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। बीजेपी के महामंत्री कैलाश शर्मा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रामनिवासपुरा और खान टीमों के बीच हुआ। जयपुर के चाकसू में नीलकंठ हनुमान मंदिर में पौष बड़ा समारोह का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में फूलिया कला के सांगरिया सीएससी में आरोग्य राजस्थान शिविर की शुरुआत हुई। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के ऊपरमाल क्षेत्र में नियम की धज्जियां उड़ाते हुए खनन किया जा रहा है। यहां सैंडस्टोन के खनन में पर्यावरण नियमों की पालना नहीं की जा रही। प्रतिबंध के बावजूद खानों में लाल बत्ती से विस्फोट किए जा रहे हैं। यहां ज्यादातर खदानों में सीमा चिन्ह नहीं लगे, ऐसे में खातेदारी के साथ वन भूमि पर भी खनन किया जा रहा है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में अंडरब्रिज में हमेशा पानी भरा रहने से फसलें बनी रहती है, ऐसे में रोज दुपहिया वाहन चालक फसल कर चोट खा रहे हैं। अंडरब्रिज की फिसलन पर हादसे से यहां एक की मौत भी हो चुकी है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एसडीएम के साथ सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बिजासन माता मंदिर परिसर में परंपरागत देशी राई के खेल का आयोजन हो रहा है। लोग इसमें भाग ले रहे हैं। दौसा में मालकवास गांव में पीने के पानी की किल्लत है, ऐसे में लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। हाल यह है कि यहां मवेशियों को भी पीने के लिए पानी नहीं, ग्रामीणों ने गांव में पानी की सप्लाई शुरू करने की मांग की है। दौसा के मालकवास गांव में पेयजल के लिए बनाई टंकी में पानी नहीं होने से बेकार हो गई है। यहां के पानी की टंकी तो है लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होती। सार संभाल नहीं होने से टंकी जर्जर और खतरनाक हो गई है। कई साल पहले ये पानी की टंकी बनवाई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब पानी का इंतजाम नहीं था तो टंकी क्यों बनाई गई, इससे जनता के लाखों रुपए बर्बाद हो गए। दौसा जिले में महुआ के मंडावल ग्राम पंचायत के बाजार में तोड़फोड़ को लेकर लोग स्थानीय विधायक ओम प्रकाश हुड्ला से मिले। बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़फोड़ की गई थी। सिरोही जिले के भैरवगढ़ में खेल मैदान की चारदीवारी का काम शुरू हो गया। स्थानीय विधायक जगती राम कोहली ने इसके लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए दिए। सिरोही जिले के देवधर में सांसद देवजी पटेल ने जनसुनवाई की। पंचायत समिति सभागार में सांसद ने लोगों की समस्याएं सुनी।
इन सुनवाई में जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। सांसद ने समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर निर्देश दिए। सिरोही जिले के भामरा गांव में रोड लाइटें सार संभाल नहीं होने से खराब पड़ी हैं। पंचायत को बताने के बाद भी रोड लाइट्स दुरुस्त नहीं की गई, पंचायत की लापरवाही से लोगों में गुस्सा है। नागौर जिले के खीरसे में शराब और अफीम तस्कर की सूचना पर नाकेबंदी की गई, इसके बाद भी पुलिस तस्करों को पकड़ने में नाकाम रही। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो का पीछा भी किया, लेकिन तस्कर पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गए। नागौर जिले के बगड़ गांव में जल स्वावलंबन को लेकर जल जागरूकता रैली निकाली गई, रैली के जरिए जल संरक्षण का संदेश दिया गया। नागौर जिले के मूंडवा में धनुष माह के दौरान चल रहे धार्मिक कार्यक्रम के तहत 2700 उत्सव समारोह आयोजित किया गया। ये उत्सव भगवान नरसिंह मंदिर में किया जा रहा है, इसमें रंगनाथ और गोदम्बा विवाह का आयोजन किया गया। उदयपुर के वल्लभ नगर में संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, इसमें चित्तौड़ और राजसमंद समेत 6 टीमें भाग ले रही हैं। उदयपुर में वल्लभ नगर के खरसाण में अखिल भारतीय मैनारिया समाज की चौथी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां बाछेड़ा की टीम ने यह खिताब जीता, बाछेड़ा की टीम ने बाना टीम को फाइनल में हराया। उदयपुर के झाड़ोल में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, 12 टीमों के टूर्नामेंट में मेवाड़ रॉयल्स उदयपुर विजेता रही। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में स्वच्छ भारत अभियान का असर नहीं दिख रहा, क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। हाल ये है कि नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, गंदगी और कीचड़ की वजह से यहां लोग काफी परेशान हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में अफीम के किसान चिंता में हैं, यहां अफीम की फसल में काली मसी रोग हो रहा है। काली मसी रोग से बड़े पैमाने पर खराबी का खतरा हो गया है, किसानों को डर है कि वे इस बार औसत पूरी नहीं कर पाएंगे। प्रतापगढ़ के घंटाली में चलती कार में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा चल गया। प्रतापगढ़ के सालमागढ़ में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के जैतसर गांव में सीएलजी सदस्यों ने मीटिंग का आयोजन किया, पुलिस थाना परिसर में डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न हुई। इस दौरान थाने में स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया गया, साथ ही बाजार में यातायात व्यवस्था ठीक करने की जरूरत भी बताई गई। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ पंचायत समिति के 4 ML गांव में सड़कें टूट गई हैं, लोगों को आवाजाही के साथ ही और भी कई समस्याएं हो रही हैं। टूटी सड़कों से उड़ती धूल से लोगों को सांस की बीमारियां होने लगी है, ग्रामीणों ने यहां खंडजा सड़क बनाने की मांग की है। श्रीगंगानगर की साधु शहर पंचायत समिति में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में श्री विजयनगर पंचायत समिति के गांव 5 PPM में किसान सेम की समस्या से परेशान, सेम से खेती और जमीन बर्बाद हो रही है। सेम की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर गया है और उसकी फसल चौपट हो गई है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने सेम की समस्या के समाधान के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सरकारी अधिकारी किसानों की इस समस्या पर ध्यान नहीं देते। श्रीगंगानगर में घरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खानुवाली में सफाई इंतजाम ठप हो गए, गंदगी की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हाल यह है कि पंचायत मुख्यालय पर गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां तक नहीं हैं। लोगों ने पंचायत प्रशासन से कई बार गंदगी से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। करौली के नादोती में गंगापुर सिटी रोड पर पड़े गड्ढों से इस बार आवाजाही मुश्किल और खतरनाक हो गई है। यहां आए दिन दुपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। करौली में गुड़ा चंद्र जी के गढ़ोरा गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक है। यहां बंदरों की टोली आने जाने वालों पर हमले कर रही हैं, इसके अलावा घरों से भी बंदर सामान उठाकर ले जाते हैं। गढ़मोरा धार्मिक स्थल है, ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालु भी बंदरों के आतंक से परेशान हैं।
तिराली की खेड़िया पंचायत में बिजली समस्या से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इस गुस्से में 300 से ज्यादा किसान परिवारों ने मासलपुर करौली रोड पर जाम लगा दिया। 3 घंटे बाद डिस्कॉम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 4 दिन में बिजली सप्लाई दुरुस्त करने के आश्वासन पर ही किसान माने। करौली के मासलपुर में जरूरतमंदों को मेडिक्लेम पॉलिसी बांटने का कार्यक्रम हुआ। बांसवाड़ा जिले के घाटों में माही विभाग की नहरें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। टूटी फूटी नहरों से पानी का रिसाव होकर खेतों में जा रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने कई बार माही विभाग के अधिकारियों को इस बारे में बताया, लेकिन अब तक टूटी फूटी नहरों की मरम्मत नहीं कराई गई। बांसवाड़ा जिले की खमीरा छोटी पडाल गांव की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। ग्रामीणों ने इस बारे में कई बार सरपंच से पीडब्ल्यूडी विभाग को भी बताया, इसके बावजूद सड़क को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना में जैन समाज का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। बांसवाड़ा जिले के चीडिया बासा गांव में भामाशाह शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन अटल सेवा केंद्र में किया गया। इसमें एसडीएम ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अजमेर में पिंगसांगन के कोटाज गांव में किसी हिंसक जंगली जानवर ने मवेशियों पर हमला कर दिया। मवेशियों पर जंगली जानवर के हमले से पशुपालकों में खौफ है। अजमेर के डुमारा गांव के लोग गायों की देखभाल के लिए आगे आए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से यहां गौशाला बनाने का काम शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने प्राचीन रामदेव जी महाराज के मंदिर के पास अस्थायी गौशाला की नींव रखी। बाड़मेर के बालोतरा में रेलवे फाटक के पास अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड परेशानी बना हुआ है। बाड़मेर जिले के सिंधरी में पंचायत समिति परिसर के आगे प्राइवेट बसें खड़ी कर दी जाती हैं। यहां बसें खड़ी करने से इससे पंचायत समिति में आने वाले लोगों को खासी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने पुलिस से भी उसकी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बीकानेर की ग्राम पंचायत जेतपुर में क्रिकेट मैच टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। बीकानेर की ग्राम पंचायत सूरजनगर के धीर देसर पुरोहितान गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पाली में देसूरी के उंदरथल से बड़ौत तक आना से करनावा तक सड़क का काम शुरू हो गया। जालौन में सायला के भटियानी माता मंदिर में आंगनबाड़ी केंद्र में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जालौन के सुराणा गांव में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। 16 टीमें इस टूर्नामेंट में सुराणा की टीम विजेता रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।